प्लांटोलॉजी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ कैमल्स। कैमल्स का एवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखेंगे। सबसे फर्स्ट जो कैमल जो है जो इस ज़मीन के ऊपर अपीयर हुए थे वो थे प्रोक्लैपस। ठीक है, प्रोक्लैपस जो है वो एक्सटेंट जीनस है कैमल के, जब अब कम्प्लीटली एक्सटेंट हो चुकी है और ये लेट ईयर्सिन पीरियड में यानी कि अराउंड अबाउट 45 to 40 मिलियन ईयर्स पहले जो है वो नॉर्थ अमेरिका के अंदर अपीयर हुए थे। ठीक है, ये सबसे ओल्डेस्ट कैमल्स भी हैं और सबसे स्मॉलेस्ट कैमल भी हैं, यानी कि इनकी जो लेंथ है वो अराउंड अबाउट 80 सेंटीमीटर, यानी कि अगर हम फीट में बात करें तो 2.6 फीट तक इनकी लेंथ थी और इनकी बॉडी का जो वेट था वो 26 किलोग्राम वेट था। ठीक है, टीथ की बेस पे अगर हम मतलब इनके फॉसिलाइज्ड जो टीथ मिले हैं उसकी बेस पे हम ये कह सकते हैं कि ये फॉरेस्ट प्लांट के जो लीव्स हैं उन पर इनकी जो है वो खुराक थी। ठीक है, उस पर ये फीड करते थे। इनके अलावा इनकी कंप्लीट सेंट ऑफ डेंटेशन था और डेंटेशन जो है विद द डेस्टीमा, यानी कि आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली जो दांत है वो प्रेजेंट है और उनके दरमियान किसी किस्म का गैप नहीं है। ठीक है, लेग्स के हवाले से बात करें तो जो फ्रंट लेग्स हैं वो शॉर्टर हैं देन बिहाइंड लेग्स, और फ्रंट लेग्स जो है वो थोड़ी थिन है और जो बैक वाली लेग्स हैं वो थोड़ी थिक हैं। ठीक है, इसके अलावा लेग्स के अंदर जो रेडियस और अल्ना बोन है वो इनकी कम्प्लीटली सेपरेट थी, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि इस तरह से अपनी लेग को जो है वो अपने एंकल से अपने जो है वो घुटने से जो है वो कम्प्लीटली उसको मोड़ सकते थे, बेंड कर सकते थे रेडियस और अल्ना की सेपरेशन की वजह से। सेकेंड जो कैमल्स थे वो थे पुबेरोथीरम। ठीक है, पुबेरोथीरम जो है वो 35 मिलियन ईयर्स पहले अपीयर हुए थे इन ऑलिगोसीन पोच, और ये भी नॉर्थ अमेरिका में अपीयर हुए थे। इनका जो साइज था वो तकरीबन 3 फीट था, लॉन्गर नेक थी, लार्जर बॉडी साइज था और बॉडी के ऊपर जो इनके फुट थे वो सॉफ्ट थे और पैडिड थे, यानी कि जिस तरह एक जो है वो चुपाए के होते हैं उस तरह के इनके जो है वो पाउंड थे। ठीक है, और इनका जो टूथ स्ट्रक्चर है उसके अंदर थोड़ा चेंज आया था, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि ये ग्रासिस ग्रास लैंड के अंदर ज़्यादा पाए जाते थे और ग्रासिस पे फीड करते थे। ये तकरीबन अगर जो हम आजकल मॉडर्न गोट हैं ये गोट के जैसे जो है वो नज़र आते थे, और इनका जो वेट था वो तकरीबन 1500 पाउंड्स था। फ्रंट टीथ जो है वो लार्जर थे, जिसकी वजह से ये ग्रासेस को इजीली जो है वो ज़मीन से टीयर कर लेते थे, उनको उखाड़ लेते थे। ठीक है, और लेग्स जो है वो इनके थोड़े से जो है वो मॉडिफाइड थे, जिसकी वजह से इनकी जो स्पीड है, रनिंग स्पीड है या वॉकिंग स्पीड है वो प्रोटोलेपस की नस्बत थोड़ी ज़्यादा थी। ठीक है, और इनके जो टोज हैं वो भी मॉडिफाइड थे और टोज के एंड पे जो है वो हूफ्स प्रेजेंट थी। थर्ड टाइप के जो कैमल्स थे वो थे प्रोटोमेरिक्स। प्रोटोमेरिक्स जो है वो टोपोड एनिमल्स थे, इनमें भी कंप्लीट डेंटेशन थी जो कि पुबेरोथीरम से इवॉल्व हुए थे, और ये इनके जो फर्स्ट और सेकंड अपर इंसीजर थे उनके दरमियान एक सेपरेशन मौजूद थी। देन फोर्थ में प्रो कैमल्स हैं जो कि प्रोटोमेरिक्स से इवॉल्व हुए थे। ठीक है, इसके अंदर जो मेटाकार्पल और मेटाटार्सल जो कि फुट की बोन्स होती हैं एनिमल्स के अंदर, इनकी मेटाकार्पल और मेटाटार्सल जो है वो फ्यूज हुई थी जैसे आप देख सकते हैं, और फ्यूज होकर उन्होंने एक ही बोन बनाई हुई थी जिसको कैनान बोन कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनके थर्ड एंड फोर्थ डिजिट जो है यानी कि थर्ड एंड फोर्थ वाले जो इनकी फिंगर्स हैं उनकी सेपरेट आर्टिकुलेशन थी, वो सेपरेटली मूव कर सकती थी। फर्स्ट और अपर इंसीजर जो है वो उनके अंदर एब्सेंट थे। ठीक है, और फर्स्ट एंड सेकंड अपर इंसीजर की जगह पे इनके अंदर एक पैड यानी कि एक लिप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है अपर जा के अंदर, जिसके वजह से ये इजीली जो है वो ग्रेजिंग कर सकते हैं, पत्ते वगैरह तोड़ लेते हैं। ठीक है, और ऑर्बिट जो इनके आईस ऑर्बिट है वो बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, यानी कि बंद सी आँखें होती हैं। फिफ्थ में प्लेचिनिया कैमल्स हैं जो कि जो है वो लास्ट कैमल से इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, इनके अंदर ये था कि ये प्रो कैमल्स से थोड़े स्मॉल हैं, इनके अंदर हम्प यानी कि ऊपर जो इनकी वो उभरी हुई शेप होती है कैमल्स की वो इनके अंदर नहीं थी। इसके अलावा इंसीजर और प्रीमोलर्स का नंबर भी रिड्यूस हो चुका था, और इसकी टू जीनस जो है वो अभी रिसेंटली प्रेजेंट है, दीज आर लामा एंड कैमल। लामा जो है वो साउथ अमेरिका के अंदर प्रेजेंट है और कैमल जो है वो तकरीबन पूरी दुनिया के अंदर जो हम मॉडर्न आजकल जो हम कैमल देखते हैं। लामा को अगर हम देखें यानी कि जो साउथ अमेरिका के अंदर है, इनकी इस तरह से जो है वो
टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन है, ठीक है। एक लामा जो है वो डोमेस्टिकेटेड है साउथ अमेरिका के अंदर, इनकी जो वूल होती है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती है। इसके अलावा ये जो है वो मंकी की तरह ट्रिक्स को लर्न कर लेता है, ठीक है। और इनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि अपने बॉडी के लिहाज से 50 to 30% ज़्यादा वेट कैरी करके 8 to 13 किलोमीटर यानी कि 5 to 8 मील्स का जो सफ़र है वो ईजिली तय कर लेते हैं। और इनके अंदर किसी किस्म की हम्प नहीं होती, यानी कि ये देख सकते हैं इनकी बैक जो है वो बिल्कुल फ्लैट है, ठीक है। अगर फुल ग्राउंड स्टेज में होता है तो इनकी जो हाइट है वो 1.7 टू 1.8 मीटर है। अगर हम फिट की बात करें तो 5 फीट 7 इंच से लेकर 5 फीट 11 इंच तक इनकी जो हाइट हो सकती है, ठीक है। वेट जो है वो 130 टू 200 केजी के दरमियान होता है। और ये मॉडर्न कैमल से थोड़े बहुत रिजेंबल करते हैं इस वाइज के कि इनकी अंदर जो है वो हम्प प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। इनकी जो ब्रेन कैविटी है वो काफ़ी लार्ज है और ऑर्बिट्स जो आईज ऑर्बिट्स होते हैं वो थोड़े लेस डेवलप्ड है। देन मॉडर्न कैमल है जो कि आजकल हम देखते हैं, ठीक है। ये जो कि फाइलम कॉर्डेटा से क्लास मैमेलिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ऑर्डर इनका आर्टियोडैक्टाइला है, फैमिली जो है वो कैमेलिडी है और जीनस जो है वो कैमेलस है। इनकी जो हाइट है वो तकरीबन 6 फीट होती है, ठीक है। 1500 एल्बिन का वेट होता है। इनके बॉडी पर ब्राउन पूर होती है, ठीक है। हम फैट टिश्यू यानी कि जो इनकी हम्प है इसके अंदर सारे के सारे फैट टिश्यूज होते हैं जो कि इनको ट्रस्ट एनवायरनमेंट के अंदर टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और इनके जो है वो लेग्स होती हैं वो काफ़ी लॉन्ग और पावरफुल होती हैं और गर्दन भी काफ़ी लॉन्ग होती है। इसके अलावा ये डोमेस्टिकेटेड भी होते हैं और हार्श एनवायरनमेंट के अंदर भी ये सर्वाइव कर लेते हैं। इनके जीनस जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट जीनस है, तो डिफरेंट जीनस के लिहाज से इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो भी डिफरेंट टाइप की होती है। अब अगर हम कैमल्स की एवोल्यूशन को यानी कि मेन लाइन एवोल्यूशन को देखें तो सबसे पहले प्रोटोलेपिस है, ठीक है। प्रोटोलेपिस से पुबेरोथर्म इवॉल्व हुए, पुबेरोथर्म से प्रोटोमेरिक्स, प्रोटोमेरिक्स से प्रोकैमिलस, प्रोकैमिलस से प्लोचिनिया और प्लोचिनिया से जो है वो मॉडर्न कैमल्स इवॉल्व हुए, जिनके दो जीनस है लामा एंड कैमल्स।